नमस्कार, मेरा नाम है किसलय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जिसमें कि दिन भर की बड़ी खबरों से हम आपको करवाते हैं अपडेट। तो आज के बुलेटिन में बात होगी, क्या अतीक अहमद का होगा एनकाउंटर, दिल्ली सरकार में नया मंत्री कौन होगा, राहुल गांधी का नया लुक क्या आपने इसे देखा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कल तक जो सबके डर का पर्याय बना हुआ था, वो डॉन आज खुद डरा हुआ है। जिसके विरोध का मतलब था मौत, आज वो खुद को मौत के अपने करीब पा रहा है। हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद की। उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाहुबली अतीक अहमद को अपने एनकाउंटर का खतरा लग रहा है। अतीक ने बुधवार यानी कि 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि उसे यूपी पुलिस के हवाले न किया जाए। अतीक फिलहाल गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है। उसकी याचिका में कहा गया है कि अगर उमेश पाल हत्याकांड में उससे कोई पूछताछ होनी भी है तो गुजरात में ही हो। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का हवाला दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद दिए इस बयान में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। याचिका में गैंगस्टर विकास दुबे की गाड़ी पलटने और जेल में बंद मुन्ना बजरंगी की हत्या जैसी घटनाओं का उल्लेख किया गया। अतीक को लगता है कि अगर वो यूपी गया तो उसका एनकाउंटर भी तय है। हाल ही में सीएम योगी ने सदन में ये बात कही थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। तो सीएम योगी के इस बयान का जिक्र याचिका में किया गया है। इसके अलावा भाजपा के सांसद सुब्रत पाठक ने भी ये बयान दिया था कि गाड़ी पलट सकती है। ये बयान सुन, गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, अब पलटती नहीं पलटेगी तो वक्त बताएगा। इनकी कल गाड़ी पलटती हो तो आज पलटती। अपराधी माफियाओं को कानून के दायरे में रहकर ही उनको उनकी भाषा में समझा। इसके अलावा यूपी सरकार में एक और मंत्री ने गाड़ी पलटने की बात कही थी, ये बयान भी सुन। उत्तर प्रदेश की पुलिस को पूरी छूट है इन माफियाओं को जमींदोज करने के लिए, इनको पाताल लोक से भी खोज कर लाएंगे। तो गाड़ी में बैठते समय ज्यादा हायतोबा ना करें, नहीं तो ड्राइवर असंतुलित होके डिस्टर्ब होके कहीं गाड़ी पलटना चाहिए। आपको बता दें कि 27 फरवरी को ही इस हत्याकांड से जुड़े एक आरोपी अरबाज का एनकाउंटर किया गया था। वहीं इस बीच यूपी पुलिस ने बुधवार को अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चलाया है। प्रयागराज पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी में संपत्तियों को तोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर इस बात का डर है अतीक अहमद को कि कहीं यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर दे, कहीं विकास दुबे की तरह उसको भी ना मार दिया जाए। वैसे योगी सरकार में एनकाउंटर करना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार के कार्यकाल में अब तक 175 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर किया जा चुका है। एनकाउंटर क्या होता है, इसके क्या नियम है, क्या पुलिस एनकाउंटर के नाम पर किसी की भी जान ले सकती है, इसको लेकर हमने आपके लिए एक जानकारी भरा वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले अतीक अहमद की पत्नी ने भी सीएम योगी को एक पत्र लिखा था और उन्होंने अपने पति अतीक अहमद के जान को खतरा बताया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अतीक अहमद को लेकर यूपी में सियासत भी शुरू है। राजनीति इस बात पर हो रही है कि बाहुबली किसका है। सपा और बीजेपी नई नई तस्वीरें जारी करती है। सदाकत खान की तस्वीर दिखाकर एक दूसरे पर यह पार्टी आरोप लगाती है। सीएम योगी ने आज इसको लेकर विधानसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी कमजोर को मरवाएंगे और बाद में मुकर जाएंगे, ये सपा का काम है। जरा सुनिए। घटना का जो साजिश करता है उसकी फोटो वायरल हो रही है, साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग नहीं सकता। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे, अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को, ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? एक दवसा है। और उसके बाद फिर सीधे मुकर भी जाए, ये बड़ी अजीब सी बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब ये पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे?
राज्यपाल की यही उथेना कि वह अपने दम पर विधायक बन गया था। अब जाति जाति की बात करते हैं। वहीं कल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने इसको लेकर क्या कुछ कहा था, आइए आपको हम ये भी सुनाते हैं। सरकार ये कहती है कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को, जिस तरीके से डायलॉग मारे जाते हैं फिल्मों में, ये सरकार डायलॉग से चल रही है, सरकार डायलॉग से चल रही है। और जिस सरकार का परमानेंट डीजीपी ना हो, एक ही अधिकारी पर इंटेलिजेंस हो, एक ही अधिकारी पर सब कुछ हो, उसके बाद कैसे उम्मीद कर सकते हो कि प्रशासन सही खबर मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचाएगा। इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है, उसी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने लुक को लेकर काफी चर्चा में थे। उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी को कुछ लोग फैशन तो कुछ लोग इसके आधार पर राहुल गांधी को तपस्वी बता रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी ने अपनी दाढ़ी कटवा ली है, नए अंदाज में वो आ गए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी अपने नए लुक को लेकर काफी चर्चा में हैं। राहुल गांधी ने दाढ़ी मूछें ट्रिम करा ली हैं। सामने आई तस्वीर में राहुल टाई कोट पहने दिख रहे हैं। 7 सितंबर 2022 से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के बाद से राहुल ने एक के बाद एक कई राज्यों से यात्रा निकाली थी। राहुल ने यात्रा के दौरान अपनी दाढ़ी बढ़ाई और उनका लुक बेहद अलग देखने को मिला। वहीं 170 दिन बाद एक बार फिर राहुल नए लुक में सामने आए हैं। राहुल ने अपनी दाढ़ी को ट्रिम करा लिया है। राहुल का ये लुक सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं, जहां वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देंगे। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने अपनी दाढ़ी काफी बढ़ा ली थी और अधिकतर वक्त वो सफेद टी शर्ट में दिखाई दिए थे। राहुल माइनस के तापमान में भी हाफ टी शर्ट में यात्रा करते दिखे थे। राहुल गांधी की ये तस्वीर 14 दिसंबर 2021 की है, जब राहुल गांधी कांग्रेस और विपक्षी सांसदों के साथ विजय चौक पर विरोध करने पहुंचे थे। राहुल 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन का विरोध कर रहे थे। इस दौरान राहुल क्लीन शेव में नजर आए थे, उन्होंने काले रंग का एक स्वेटर पहन रखा था। फरवरी 2021 में भी राहुल का एक लुक काफी वायरल हुआ था। संसद और राजनीतिक कार्यक्रमों में ज्यादातर कुर्ता पैजामा में नजर आने वाले राहुल गांधी हाफ शर्ट और ट्राउजर पहने नजर आए थे। काले रंग के शूज पहने और हाथों में टैब लिए राहुल गांधी के इस लुक को काफी सराहा गया था। राहुल गांधी की ये तस्वीरें लोकसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद की है। अब बात दिल्ली की, जहाँ शराब घोटाले पर संग्राम जारी है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से भाजपा और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग के साथ सड़क पर हल्ला बोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कैबिनेट को लेकर मंथन में जुटे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए कि दिल्ली सरकार में कौन कौन नए मंत्री बन सकते हैं और क्या कुछ अभी चल रहा है। एक तरफ बीजेपी का शोर तो दूसरी तरफ कांग्रेस का जोर। तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, जहां आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग बुलंद की। मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे की मांग तेज है, लेकिन फिलहाल केजरीवाल अपने दो खास मंत्रियों के इस्तीफे से संकट में हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पद छोड़ने के बाद केजरीवाल ने विधायकों और पार्षदों की बैठक बुलाई। विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी को केजरीवाल मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और इसके लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोनों की नियुक्ति से जुड़ी फाइल एलजी को सौंप दी है। तो शराब नीति तो बहाना है, काम रोकना इनका असली मकसद है। आज मैं दिल्ली की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं और देश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं, काम नहीं रुकेगा। दोनों मंत्रियों की नियुक्ति तक सिसोदिया और जैन के मंत्रालयों को कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद में बांटा गया है। कैलाश गहलोत को वित्त, पीडब्ल्यूडी, पावर, गृह, शहरी विकास, जल विभाग, सिंचाई विभाग और प्लानिंग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजकुमार आनंद को शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंड एंड बिल्डिंग, टूरिज्म, सर्विसेज, आर्ट एंड कल्चर, रोजगार, इंडस्ट्री और विजिलेंस विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों मंत्रियों के पास अब कुल 14 मंत्रालयों की जिम्मेदारी हो गई है। अरविंद केजरीवाल के दूसरे कार्यकाल में अब तक 3 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। आम आदमी पार्टी कई राज्यों में विस्तार में जुटी है। दिल्ली शिक्षा मॉडल को बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब शिक्षा मंत्री के जेल में जाने से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के शराब घोटाले की गूंज पंजाब में भी दस्तक दे चुकी है। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में शराब नीति में बदलाव कर बड़ा घोटाला किया गया। 12% प्रॉफिट मार्जिन किया गया होलसेलर के लिए, इसी तरह
सेम पॉलिसी जो थी पंजाब में भी बनाई गई, वहां 10% किया गया, और ये पॉलिसी मनीष सिसोदिया जी के घर पर बनाई गई दिल्ली में। इसके लिए पंजाब के अफसर, पंजाब के एक्साइज मिनिस्टर और सारा डिपार्टमेंट दिल्ली में आता था, जिसकी रिटर्न में मैंने शिकायत 13 सितंबर 2022 को ईडी को और सीबीआई को दी। भगवंत मान सरकार पर ऐसे वक्त में घोटाले के आरोप लग रहे हैं जब पंजाब में अमृतपाल जैसे अलगाववादियों ने पहले से ही लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती बढ़ा रखी है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल जनता के सामने किस मॉडल के साथ जाएगी? तो आज के बुलेटिन में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।